हमारे बेटे तो आए नहीं। अच्छा। माशाल्लाह बेटी आया आप देखिए वो रेडिंग करती है वो जो भी घोड़ा हो ना वो दौड़ा लेती है क्योंकि हमारे हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सरदार शेर अफजल खान और जानेंगे इनसे इनके बारे में क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी अपनी तमाम टेंट पैकिंग के हवाले से गुजारी है और खुद भी ये घुड़सवार रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आपको कैसा लगा आज इस इवेंट पे आके? ये बहुत अच्छा लगा। मैं तो छोटी उम्र में सन 81 में नेजा बाजी शुरू की है, बचपन में मुझे शौक था। अच्छा आपने कितना कुछ सीखे नेजाबाजी का? ऐसा मजमून है जो सारी जिंदगी हम खेलते रहे ना फिर भी इस पे पूरे नहीं उतर सकते, ये इतना बड़ा सबक है। अच्छा क्या लगता है कि एक घोड़े का और एक सवार का आपस में मेल कितना जरूरी है? जब घोड़े का और सवार का मेल ना हो आपस में मेल ना करे ना तो निशाना नहीं लग सकता। जिस वक्त आप घोड़ा साथ ना दे, घोड़े का साथ देना बहुत जरूरी होता है। अच्छा क्या आप कहना चाहेंगे कि इस खेल को ऑर्गेनाइज करने में मौसम को भी देखा जाना चाहिए? मौसम तो जरूरी है क्योंकि ज्यादा मौसम खराब हो तो फिर घोड़े जानवर जो है ना वो खराब होते हैं ना, गर्म सर्द हो जाते हैं ये वो, लेकिन ये अल्लाह मियाँ का कर्म है, अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा अच्छा आप अपने बेटों को भी इसी फील्ड में लाना चाहेंगे या फिर? हमारे बेटे तो आए नहीं। अच्छा। बेटी आया आप देखिए वो रेडिंग करती है वो जो भी घोड़ा हो ना वो दौड़ा लेती है क्योंकि हमारे इलाके में बेटियों पर आवाज नहीं है, इसलिए मैं इतना ग्राउंड में लाता नहीं हूँ। अच्छा नहीं आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें आनंद देखा है कि लड़कियों को इन चीजों से बहुत ज्यादा पीछे रखा है, क्या समझते हैं लड़कियों के लिए भी अलग एक ग्राउंड होना चाहिए? जी जरूर, लड़कियों को भी सिखाना चाहिए। क्यों तो देखो ना अच्छा शौक है, नवाबों का शौक है, हर आदमी तो नहीं खेल सकता है। हमारा जो इलाका है हमारे इलाके को इलाका जंदाल बोलते हैं, इलाका जंदाल बसाल गांव का मैं रहने वाला हूँ। 100-150 साल तक कोई नेजाबाजी पहला आदमी मैं नेजाबाजी शुरू किया और बसाल गांव हमारा स्टेशन है बसाल रेलवे स्टेशन, उसके पास ग्राउंड है हमारा, उधर मैं पहली दफा 1913 में नेजाबाजी कराई है। 150-200 साल तक कोई पहले कोई सबूत नहीं मिलता है कि नेजाबाजी है किसी ने कराई हो, वो पहला हमारा मेला था। चलिए ये तो फखर की बात है कि हम भी एक पहले घुड़सवार से मिले हैं जो जिसने ये काम किया और हमें भी फखर हुआ कि आपसे गुफ्तगू करके। सर ये बताइएगा कि एक मैदान में उतरने से पहले घोड़ों की ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है या फिर नहीं? वो तो बहुत जरूरी है ना, ट्रेनिंग के तो अलावा कोई चीज है ही नहीं ना। देखो ना आदमी तालीम हासिल करता है तो वो भी पहले 26 अरब है हमारे जमाने में, अभी तो बहुत किताबें हुकूमत ने कर दी हैं, 26 अरबों से हमने मैटर किया है, उनका मतलब हमें समझ आ गया और सारा दुनिया का इलम हमारे पास आ गया, पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं जी। तो अभी जो है अभी तो बहुत किताबें वगैरह, ट्रेनिंग की बात हो रही है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल ट्रेनिंग ना हो तो क्या घोड़ा क्या करेगा और सवार क्या करेगा। बिल्कुल सरदार सर आपने साथ दिया, बहुत अच्छा लगा, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।